हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बातें में। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टीईसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टीईसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद टीईसी सर्टिफिकेट नंबर हमारा प्राप्त हो चुका है तो टीएससी अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हो, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह का वीडियो। और एक खास बात आप लोगों के लिए, हमने अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बातें पर आप लोगों के लिए सीएससी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल और नेट बैंकिंग ट्यूटोरियल दोनों स्टार्ट कर दिया है। तो आप सीएससी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल और नेट बैंकिंग ट्यूटोरियल हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीएससी कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सीएससी अप्लाई के लिए सीएससी जीओवी के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, जो हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सीएससी वीएलई। सिंपल से आपको यहाँ पे सीएससी वीएलई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना टीईसी नंबर डालना है। टीईसी नंबर आप जो मिला है, सिंपल से आपको यहाँ पे टीईसी नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए, जो टीईसी मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको यह कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप पहले से ही सीएससी अप्लाई किए हुए हैं तो दोबारा आप उस टीईसी नंबर पे सीएससी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबमिट करने थे, सबमिट के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे ओटीपी इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इंटर ईमेल आईडी। इंटर नाम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करना है, जो अपने टीसीएससी के साथ अपना ईमेल आईडी अटैच करना चाहते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको फिर से यह कैप्चा इसमें फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर से आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको वहाँ पे ईमेल आईडी पे ओटीपी जो सेंड किया गया है, सिंपल से आपको यहाँ पे फिल करना है। और ओटीपी फिल करने के बाद आपको फिर से यह कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फिर से सबमिट बटन। सिंपल से आपको फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका आधार और वी आई डी। तो सिंपल से आपको यहाँ पे आपका आधार और वी आई डी डालना है कि आपका आधार नंबर और वी आई डी नंबर क्या है। सिंपल से आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका नेम और जेंडर। सिंपल से आपको नेम तो फिल करना नहीं है, जेंडर फिल करना है। जेंडर में आप चूज कर लीजिए कि आप क्या है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, जो आपके टीईसी सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आपको फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टेट। सिंपल से आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रूरल अर्बन। तो सिंपल से आपको यहाँ पे रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, रूरल क्षेत्र से या अर्बन क्षेत्र से। अगर आप गांव से आते हो तो यहाँ पे आप रूरल चूज करेंगे। अगर आप शहर से आते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे अर्बन चूज करना है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ओटीपी के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, या आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे आपको चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैप्चा बटन। सिंपल से आपको कैप्चा फिल करना है, और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबमिट। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले आया जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ओटीपी ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे एसएमएस और मेल के थ्रू आप अपना ओटीपी ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोनों। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको वो ओटीपी इसमें फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है वैलिडेट ओटीपी। सिंपल से आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है, और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो नेम फिल किए हैं, मोबाइल नंबर फिल किए हैं और टीईसी नंबर फिल किए हैं यहाँ पे आपको फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे
एप्लीकेशन इमेज यानी कि आपका इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपल से आप यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद स्ट्रीट यानी कि आपका एड्रेस यहाँ पे फुल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेट, स्टेट फिल कीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिए, पंचायत फिल कीजिए, विलेज फिल कीजिए, पिन कोड फिल कीजिए, पोस्ट ऑफिस फिल कीजिए, पुलिस स्टेशन फिल कीजिए। तो आपको सारा चीज यह फिल कर लेना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो सिंपल से आपको यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिल करना है कि आपका शॉप का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने इस पे एक वीडियो पहले ही बना चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपल से आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं। तो वहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालने के बाद आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाता है पैन टाइप, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंडिविजुअल और कंपनी। सिंपल से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपका पैन टाइप इंडिविजुअल या कंपनी है। सिंपल से आपको यहाँ पे पैन टाइप चूज कर लेना है। तो खास करके सारे इंडिविजुअल ही होते हैं, तो हमें इंडिविजुअल चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना, पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपका पैन नंबर वेरीफाई सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेविंग अकाउंट टाइप और करेंट अकाउंट टाइप। तो सिंपल से आपको सेविंग अकाउंट टाइप और करेंट अकाउंट टाइप कौन सा अकाउंट है सिंपल से आप यहाँ पे चूज कर लिए। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर, सिंपल से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैंसिल चेकबुक। तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का एक कैंसिल चेकबुक अपलोड करना है। तो सिंपल से आप कैंसिल चेकबुक बनाए हैं या नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और यहाँ पे आपको कैंसिल चेकबुक अपलोड करना पड़ता है। कैंसिल चेकबुक अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। चलिए हम बात कर लेते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का। तो सिंपल से आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब इशू बाई मनरेगा कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबमिट बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिक्लेरेशन बटन। सिंपल से आपको डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबमिट बटन। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपके मेल आईडी पे कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका सीएससी आईडी अप्रूव हो चुका है। तो सिंपल से आपको यह रेफरेंस नंबर नोट और प्रिंट करके रख लेना है, और नोट और प्रिंट करने के बाद आपको इसका स्टेटस आपको चेक करते रहना है। अगर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे आप दोबारा से फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे यह एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके रख लेना है। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोट में। नोट में मैंडेटरी बताया गया है कि आपका जो कॉपी है सिंपल से आप वहाँ पे एक प्रिंट आउट निकालिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा कैंसिल चेकबुक, पासबुक, पैन कार्ड और एप्लीकेशन ईमेल। तो यहाँ पे यह सारा चीज अटैच करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो सीएससी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, सिंपल से आपको वहां पे उनके पास सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका सीएससी दिन में अप्रूव कर दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबमिट करने के बाद हम स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि हमारा सीएससी आईडी कहां तक पहुंचा हुआ है। तो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई। सिंपल से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहां पे आपको स्टेटस चेक पे देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको स्टेटस चेक पे क्लिक करना है। यहां पे आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है। रेफरेंस नंबर यहां पे आप डाल दिए। रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहां पे आपको कैप्चा देखने को मिल जाता है। यह कैप्चा आपको यहां पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहां पे आपको देखने को मिल जाता है सबमिट बटन। सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका नेम डियर, जो भी आपका नेम है
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अगर आपका सी एस सी क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे आपको सी एस सी आई डी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको सी एस सी क्रिएट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है योर अप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। यहाँ पे आपको अंडर प्रोसेस अप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना है, हम देखे हैं कि सी एस सी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया कि सी एस सी का ट्यूटोरियल हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाए हैं, तो हम आपको सी एस सी के ट्यूटोरियल के माध्यम से बताएंगे कि सी एस सी कैसे यूज करते हैं। टी एस सी में जितना भी हमें सर्विस देखने को मिलता है उसका हम स्टेप बाई स्टेप सारी सर्विस एक एक करके सारा डिटेल्स बताने वाले हैं सी एस सी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद सी एस सी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल आप ज्वाइन करके सी एस सी ट्रेनिंग सी एस सी के सारा वीडियो सी एस सी के ट्रेनिंग आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सी एस सी लेना चाहते हैं और सी एस सी लिए हुए हैं, जिसे सी एस सी के बारे में उतना अधिक अभी पता नहीं है, तो वहाँ पे आप उनको यह वीडियो शेयर कीजिएगा और वह सी एस सी ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से सी एस सी का सारा डिटेल्स जान सके। तो मिलते हैं सी एस सी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।